कमलनाथ सरकार के आने के बाद अब तक कई किसान खेती किसानी में आने वाली समस्याओं को लेकर मौत को गले लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूबे के प्रशासन की उदासीनता किसानों के प्रति अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसकी बांदगी प्रदेश के अनाज मंडी में होने वाला किसानों का शोषण है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मंडी डबरा में अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। प्रशासन के लाख पारदर्शिता के दावों के बावजूद डबरा कृषि उपज मंडी में किसानों को दूसरे प्रदेश के व्यापारी स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर ठग रहे हैं। राघवेंद्र पांडे द्वारा तहसील सभागार में सभी व्यापारियों को बुलाकर धान की खरीदी के लिए गाइडलाइन तैयार की गई थी, जिसमें एसडीएम के द्वारा लिखित आदेश दिया गया था कि धान की खरीदी बोली लगाकर की जाएगी और उन पर निगाहें रखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, मगर व्यापारियों ने इसका पालन नहीं किया। इस संबंध में एसडीएम राघवेंद्र पांडे का कहना है कि इसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं कुछ अन्य प्रदेशों से आने वाली ट्रॉलियों को प्रशासन बॉर्डर पर ही रोकेगा। जी हाँ, आज मैंने देखा कि बाधिक आवक का कारण यह है कि अन्य प्रदेशों के भी किसान यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको अब हम बॉर्डर पे उनको रोकने की व्यवस्था जमा रहे हैं, इसके निर्देश जारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सूबे में किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई कमलनाथ सरकार अन्नदाताओं को होने वाली समस्याओं को खत्म करने में विफल दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, डबरा।